जब हम विश्वास के मार्ग पर चलते हैं तो कई बार हमें परीक्षाओं क्लेशों और क्रूस के बोझ उठाना पड़ता है कुछ लोग इन सभी कठिनाइयों को मुश्किलों और दुखों के रूप में समझते हैं जबकि दूसरे इन कठिनाइयों को महान आशीष और खुशी मानते हैं आज यह समझने के लिए कि परमेश्वर हमें सदा आनंदित रहने और हर बात में धन्यवाद देने के लिए क्यों कहते हैं आइए हम खुशी का रहस्य और स्वर का राज्य शीर्षक उपदेश के तहत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कुछ समय ले एक मनुष्य था जिसने हमेशा खुशी का जीवन जिया दर्द में होते हुए भी और बहुत दुख का अनुभव करने के बावजूद वह मनुष्य खुश था प्रसारण स्टेशन ने सोचा कि यह मनुष्य एक असामान्य व्यक्ति है और उसके साथ एक साक्षात्कार आयोजित करने के लिए गए वे उस मनुष्य से मिले और पूछा आप हमेशा हर बात में इतने खुश क्यों रहते हैं कठिनाइयों से गुजरने पर भी खुश रहने और मुश्किलों से गुजरने पर भी खुश रहने का क्या कोई विशेष रहस्य है उसने जो कहा उसे सुनकर मैंने मन ही मन सोचा क्या इस व्यक्ति का उत्तर कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए खुशी के रहस्य के बारे में उसका उत्तर इस प्रकार था अपना जीवन जीने के दौरान चाहे उसने कितनी भी कठिन दर्दनाक चुनौतीपूर्ण या अप्रिय चीजों का सामना किया हो उसने हमेशा इन चीजों को खुशी माना इसका मतलब है कि उसने दुर्भाग्यपूर्ण होने के विचार से छुटकारा पा लिया दुर्भाग्यपूर्ण होने के विचार से छुटकारा पाने के बाद मेरा हृदय आनंद से भर गया और उसमें खुशी उमड़ने लगी इसके अलावा जब से मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया है अनंत स्वर के राज्य में जाने में सक्षम होने का विचार मेरे जीवन में सबसे बड़ा आनंद और खुशी लाता है आत्मिक दृष्टिकोण से थोड़ी सी कठिनाई या थोड़ी सी असुविधा जो हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं एक परीक्षा कहलाती है कुछ लोग सोच सकते हैं यदि यह मेरे आसपास के व्यक्ति के लिए नहीं होता तो मैं बेहतर दिखता जब हम प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं तो ऐसे कई लोग होते हैं जो उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं अन्य कारक जैसे ईर्षालु विचार और जलन रखने वाले विचार आखिरकार लोगों को दुर्भाग्य की ओर ले जा सकते हैं ठीक उस मनुष्य की कहानी की तरह जो हमेशा खुश रहता था कुछ लोग दुनिया में अपने पास कुछ कम होने पर भी हमेशा खुश रहते हैं हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि उनका जीवन दुखी है, भले ही उनके पास दुनिया में बहुत सी चीजें हैं। आइए हम ये अध्याय 6 छे आयत उन्नीस पर जाए आइए हम अध्याय छे आयत उन्नीस देखे हे पृथ्वी सुन देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्बी जाना है परमेश्वर ने कहा कि जो हम पर विपत्तियां लाता है जो हम पर आशीष और जो हमारे लिए दुर्भाग्य लाता है वह सब हमारी कल्पनाओं का फल है हमारी कल्पनाओं का फल एक समान परिस्थितियों में ऐसे लोग होते हैं जो खुद को दुखी पाते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद को खुश पाते हैं हमारे आसपास हमेशा हजारों अवांछित चीजें ऐसी अवांछित चीजें होती है तो हमें यह सोचते हुए इन नकारात्मक चीजों को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने में सक्षम होना चाहिए कि मैं बहुत खुश हूं यदि मेरे पास बहुत सी चीजें होती तो मैं उन्हें बनाए रखने की कोशिश में कितना ध्यान बर्बाद करता लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस तरह से निर्देशित किया है ताकि मैं परमेश्वर के वचनों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं और परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान दे सकूं। हमें इस प्रकार की मानसिकता के साथ अपना दैनिक जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए कुछ लोग पूछ सकते हैं अरे ऐसी स्थिति में मैं इस प्रकार की मानसिकता कैसे रख सकता हूँ इसलिए हमें ऐसी मानसिकता रखने का अभ्यास करने की आवश्यकता है यदि हम एक बार अभ्यास करें दो बार अभ्यास करें दस बार अभ्यास करें और सौ बार अभ्यास करें तो उस समय से सब कुछ सुखद और अनुकूल लगेगा आइए हम प्रथम तेसुल क्यों की कि पुस्तक अध्याय पांच आयत सोलह पर जाए अध्याय पांच आयत सोलह में लिखा है सदा आनंदित रहो निरंतर प्रार्थना में लगे रहो हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है परमेश्वर हमसे कहते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो हमें अपना आभार नहीं खोना चाहिए भले ही कोई ऐसी परीक्षा हो जो इतनी कठिन हो कि आप जमीन पर गिरना और रोना चाहे या कोई ऐसी घटना हो जिससे आपके दिल में दर्द हो फिर भी यदि आप दुख की आंखों से स्थिति को देखने के बजाय इसे खुशी की आंखों से देखते हैं तो सब कुछ बदल जाएगा इसलिए परमेश्वर हमेशा हमें जोर देकर कहते हैं सदा आनंदित रहो हर बात में धन्यवाद करो उस स्थिति को कौन पसंद करेगा जहां वे बूढ़े हो जाते हैं ऊर्जा खो देते हैं और उनके चेहरे पर कई झुर्रिया होती है लेकिन उस स्थिति में जब हम इसके बारे में सोचे तो अब भी ऐसी बातें हैं जिनके लिए हम आभारी हो सकते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि वह दिन दूर नहीं जब हम स्वर्ग जाएंगे बाइबल में परमेश्वर हमें क्या करना सिखाते हैं ताकि हम उस तरह की मानसिकता विकसित कर सके वो हमें अधिक से अधिक, अधिक अभ्यास करना सिखाते हैं जैसा परमेश्वर हमें करना सिखाते हैं वैसा करने से हम भक्ति की साधना कर सकते हैं यह हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है वास्तव में यह उन लोगों की मानसिकता है जो नई वाचा में स्वयं को विकसित करते हैं आइए हम प्रथम तिमोथियस की पुस्तक अध्याय चार के साथ जारी रखें आइए हम प्रथम तिमोथियस अध्याय 4 आयत 6 पर जाए यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसे यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा पर अशुद्ध और बुड़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और क्या कर भक्ति की साधना कर क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है सभी लोगों हमें परमेश्वर के वचनों का पालन करने का अभ्यास करते रहना चाहिए जब तक हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते हुए परमेश्वर की इच्छा को अभ्यास में लाते हैं तब तक खुशी का रहस्य कहीं और नहीं पाया जा सकता जब परमेश्वर ने इजरायलियों को 40 वर्षों तक जंगल में भटकने दिया तो उन सभी स्थितियों का निर्माण किसने किया जिनका उन्होंने सामना किया था वह परमेश्वर थे जिन्होंने उन सभी स्थितियों को बनाया था कभी-कभी परमेश्वर ने उन्हें भूख की स्थिति में कभी दीन होने की स्थिति में और कभी प्यासे होने की स्थिति में रखा परमेश्वर उन्हें एक ही बार में सब कुछ दे सकते थे लेकिन उन्हें ऐसी स्थिति में रखा गया जहां वे जरूरतमंद थे या निचली स्थिति में थे व्यवस्था विवरण 8 के अनुसार इसे परीक्षा कहा गया है लिखा है परमेश्वर ने तुम्हारे मन की परीक्षा ली अब हम जिस विश्वास के मार्ग पर चल रहे हैं वह परीक्षा का मार्ग है परमेश्वर देखते हैं कि क्या हम हमेशा आनंदित रहते हैं यह पिता की इच्छा है कि हम सदा आनंदित रहे और सभी परिस्थितियों में धन्यवाद दे लेकिन यदि हम कहे मैं इस स्थिति में धन्यवाद नहीं दे सकता तो हम परीक्षा में नाकाम हो रहे हैं परमेश्वर कहते हैं कि सारे संसार पर क्या आएगा क्या वह नहीं कहते कि पूरे संसार पर परीक्षा की घड़ी आने वाली है चाहे कैसी भी स्थिति क्यों न आए यदि हम इसे कभी भी दुर्भाग्य न माने तब उस समय से हमारे पास खुशी आने लगेगी शैतान हमारी कितनी भी परीक्षा क्यों न ले हम कभी भी दुर्भाग्यशाली महसूस नहीं करते हम इसके लिए खुश हैं और हम उसके लिए भी आभारी हैं। हम सियोन परिवार के सदस्यों के साथ रहने के लिए आभारी है और हम इस साधारण तथ्य के लिए आभारी है की हम सियोन में है जो स्वर्ग पिता स्वर्गी स्वर्गीय माता द्वारा स्थापित सत्य का स्थान है स्वर्ग के राज्य में जाने की अनुमति देने के लिए भी हम आभारी है कोई पूछ सकता है जब मैं बीमार होता हूं तो मैं कैसे आभारी हो सकता हूं आइए हम एक पल के लिए इसके बारे में सोचें। उस स्थिति में भी आप निश्चित रूप से आभारी होने का कारण और खुश होने का कारण पाएंगे चूँकि परमेश्वर वादा करते हैं कि वह जल्द ही हमें एक ऐसी दुनिया देंगे जहां और अधिक दर्द नहीं होगा तो मेरा मानना है कि जब हम वहां जाने के बारे में सोचे तो सभी स्वर के परिवार के सदस्य हमेशा उत्साहित होंगे और खुशी के साथ स्वर्ग के राज्य की आशा रखेंगे इसलिए प्रथम अध्याय अधिकार आया छ में लिखा है भक्ति की साधना कर परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमें अपना समय अनावश्यक चीजों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए इसके बजाय वह हमें केवल भक्ति की साधना करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं खुश रहने के रहस्य में आनंद और धन्यवाद देना है परमेश्वर कहते हैं हर बात में धन्यवाद करो यह एक नियम है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी है परमेश्वर की सारी इच्छा उस नियम में शामिल है क्या बाइबल नहीं कहती जो पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर के राज्य में जाएगा यह पिता की इच्छा है लेकिन यदि आप कहे मैं सबद का दिन और फसा मना सकता हूँ लेकिन मैं हर बात में धन्यवाद देने की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता तो आपको जागरूक होना चाहिए हमें पिता की सभी इच्छा का पालन करना चाहिए विश्वास के उस स्तर तक पहुंचने के लिए हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए यदि एक बार अभ्यास करने के बाद भी आपकी उस तरह की मानसिकता नहीं बनती तो दस बार प्रयास करें यदि आप दस बार अभ्यास करने के बाद भी उस तरह की मानसिकता नहीं पाते हैं तो सौ बार प्रयास करें यदि सौ बार काफी नहीं है तो दो सौ या तीन सौ बार प्रयास करें इसलिए चाहे हमारे साथ कैसी भी परिस्थितिया क्यों ना हो आइए हम इसे नाखुशी का कारण न माने आइए हम सोचे मुझे अनंत स्वर के राज्य में ले जाने के लिए परमेश्वर ने मुझे कभी कभी नम्र किया कभी कभी मुझे भूखा होने दिया और कभी कभी मुझे ठंडा और नग्न होने दिया कभी कभी परमेश्वर ने मुझे यह जानने के लिए कठिन परिस्थितियों में डाल दिया कि मेरे मन में क्या है और मैं उनकी आज्ञाओं का पालन करूंगा या नहीं परमेश्वर मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने उन सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जिनका आज मैंने सामना किया थोड़ी देर में क्या आप मुझे उस अनंत स्वर के राज्य में नहीं ले जाएंगे जिसे हमारा भौतिक शरीर हमारी आत्माओं के वस्त्रों के समान है यदि उनका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है तो वे खराब हो जाएंगे और यदि वे खराब हो जाते हैं तो उन्हें ठीक करने की आवश्यकता होगी हम कभी भी दर्द में हो सकते हैं इस कारण से क्या परमेश्वर हमसे यह वादा नहीं करते मैं तुम्हें वह दुनिया दूंगा जहां कोई दर्द नहीं होगा यह सबसे अच्छी खबर है वहां कोई मृत्यु नहीं होगी। क्या यह खबर नहीं है? यह मानते हुए कि परमेश्वर हमें एक अनुग्रहपूर्ण दुनिया देंगे जहां कोई दुख दर्द या शोक नहीं है हमें सियोन की संतान बनना चाहिए जो सत्य में खुश होने के कारण ढूंढ सकती है जैसे कि प्रथम तिमुतियुस सकारात्मक विचारों में बदलने की शक्ति का निर्माण करना चाहिए इस तरह हम भक्ति की साधना कर सकते हैं आइए हम प्रथम तिमुत्यूस के अध्याय छे पर जाए हम प्रेरित पौलुस के विश्वास से कई सबक सीख सकते हैं जो विश्वास के पूर्वजों में से एक है अधे आयत सात में लिखा है क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं यदि हमारे पास क्या हो खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए प्रेरित पोलुस कितना खुश मिसाज व्यक्ति था दूसरों से अधिक पाने की इच्छा रखने या दूसरों की तुलना में अधिक विलासिता की इच्छा रखने के बजाय उसने कहा जब हम इस पृथ्वी पर आए तो हम अपने साथ कुछ भी नहीं लाए थे इसलिए जब हम इस पृथ्वी को छोड़ते हैं तो हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते क्या यह स्वाभाविक नहीं है अपने जीवन में जब तक उसके पास खाने और पहनने के लिए था तब तक उसने खुद को खुश और संतुष्ट पाया प्रेरित पोलुस को पांच बार उनतालीस उनतालीस कोड़े मारे गए वह नदियों और डाकुओं से और अपने ही देशवासियों से खतरे में था भले ही उसके सामने कई परीक्षाएं और खतरे आए लेकिन उसने कभी भी उन्हें परीक्षाओं या दुखों के रूप में नहीं सोचा। इसके बजाय वह अपने मन में केवल आनंद और अनंत स्वर के राज्य की आशा के साथ आगे बढ़ा जिसका वह बाद में आनंद उठाने वाला था यह जितना अधिक अंधेरा और गहरा है उतना ही उज्ज्वलता से प्रकाश चमकाता है है ना? इसलिए प्रेरित पोलुष जानता था कि खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े होने पर कैसे खुश रहना है आइए हम आयत नौ के साथ जारी रखें। पर जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है क्योंकि रुपए का लोप सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से से अपने आप को नाना प्रकार के दुखों छलनी बना लिया है। पर है परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज और नम्रता का पीछा कर विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था परमेश्वर इस महिमा में क्षण को न केवल प्रेरित पौलुस को बल्कि निकट भविष्य में सियोन की सभी संतानों को भी प्रधान करेंगे सभी लोगों खुशी का रहस्य कहीं और नहीं पाया जा सकता हमें यह सोचना चाहिए कि हम जिन दुखों से गुजर रहे हैं वे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हैं। चूंकि यह बाइबल में लिखा है सब कुछ हमारी कल्पनाओं का फल है तो जब हमारे पास ऐसे विचार होंगे तो हम अपने हर काम में हमेशा आनंदित होंगे और धन्यवाद दे सकेंगे इस तरह हम पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा का पालन करने में सक्षम होंगे अब क्या हमारे विश्वास के शेष समय को ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोग अपनी परिस्थितियों को दुर्भाग्यपूर्ण नहीं मानते वे हमेशा खुश रह सकते हैं और सभी परिस्थितियों में धन्यवाद देने का विश्वास बनाए रख सकते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन क्या होगा यदि हम इसके विपरीत करें आइए हम याकूब अध्याय एक आयत चौदह पर जाए परंतु प्रत्येक व्यक्ति परीक्षा में पढ़ता है जब लोग परीक्षा में पढ़ते हैं तो वे खुश होने के बजाय दुर्भाग्यपूर्ण महसूस करते हैं उन्हें लगता है कि वे जिस स्थिति में है उससे वे नाखुश है परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है स्वर्ग के राज्य की अभिलाषा रखना हमारे लिए अच्छा है लेकिन सांसारिक अभिलाषा हमें परीक्षा और दुख की ओर ले जाती है साथ ही जो हमने भक्तिपूर्ण होने के लिए और किसी भी परिस्थिति को कभी भी दुखी न मानने की मानसिकता रखने के लिए अभ्यास किया है वह ले लिया जाता है इसलिए आयत बारह में लिखा है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है आइए हम याकूब के अध्याय एक आयत बारह पर जाएं। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है आयत चौदह कहती है परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींच कर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है यह कुछ ऐसा है जो खुशी को नष्ट कर देता है हमें किसी भी परिस्थिति में यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम दुखी हैं। यदि हम कभी सोचे मैं दुखी हूं, तो हम खुश रहने से दूर हो जाएंगे। तब हम अंत में एक ऐसा जीवन जो खुशी से दूर है। यह परिणाम कहां से आता है यह सांसारिक अभिलाषाओं से आता है क्योंकि सांसारिक अभिलाषाएं हमारे हृदयों में घुसपैठ करती रहती है इसलिए हम ऐसे काम करने के करीब आ जाते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं आते और जब हम ऐसे जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमें खुशी के बजाय दुर्भाग्य प्राप्त होता है हमें हमेशा परमेश्वर में बने रहना चाहिए जो लोग परमेश्वर में बने रहते हैं उन्हें कोई दुख नहीं दिखता क्योंकि उनके पास दुख की आंखें नहीं होती है जंगल में 40 वर्ष की यात्रा के दौरान वे अपनी इच्छानुसार खा या पी नहीं सकते थे कभी कभी वे नग्न ठंडे और भूखे थे लाखों कठिन परिस्थितियों में भी प्रेरित पोलूस और प्रथम चर्च के सदस्य कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं हुए मसीह का प्रेम हमें करीब लाता है और मजबूर करता है इस प्रकार उन्होंने अपनी मानसिकता व्यक्त की कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा सभी लोगों वे हमेशा परमेश्वर में खुश थे बाइबल कहती है हर एक जो मसीह है सताया जाएगा यहाँ तक कि जब उन्होंने उत्पीड़न का सामना किया तो उन्होंने यह सोचकर इसे दुर्भाग्य नहीं माना कि हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हमारे मार्ग की तुलना में हमारे प्रभु कहीं अधिक दर्दनाक मार्ग पर चले अब परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया और मुझे अपने जीवन के समान जीवन जीने के लिए बुलाया है दुखी महसूस करने के बजाय उन्होंने यह सोचकर खुशी और आनंद महसूस किया कि वे मसीह के दुखों में भाग ले रहे हैं इस क्षण से चाहे परमेश्वर हमें जो भी स्थिति दे आइए हम किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को खुशहाल स्थिति में बदल दे जब परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर सभी सुसमाचार कार्यों को पूरा करने की अनुमति दे तो हम तुरंत परमेश्वर के राज्य में जाएंगे और महिमा का मुकुट पहनेंगे जिसे उन्होंने हमारे लिए तैयार किया है हम अनगिनत स्वर्दूतों के मार्गदर्शन में स्वर्ग में शाही राजपदारी याचकों के कर्तव्य को निभाएंगे हम अनंत काल की दुनिया में जहां हम कभी बूढ़े नहीं होंगे सदा सर्वदा के लिए अनंत जीवन और आशीषों का आनंद लेंगे क्या यह महिमामय समय हमें नहीं दिया जाएगा मुझे विश्वास है कि जो लोग भविष्य के इस महिमामय समय के बारे में हमेशा सोचते हैं वे परमेश्वर की इच्छा का पालन करने में सक्षम होंगे जो प्रथम तिश्यो पाँच में लिखी है सदा आनंदित रहो निरंतर प्रार्थना में लगे रहो हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है खुशी का रहस्य किसी और चीज में नहीं है आत्मिक दृष्टिकोण से जिस क्षण हम सोचते हैं या कहते हैं कि स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण या प्रतिकूल है उसी क्षण हमारी सारी ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है लेकिन यदि आपको लगता है कि स्थिति भाग्यशाली है तो जैसा मैंने आपको कहानी में बताया है आप खुश होंगे चाहे आपकी उम्र कितनी भी क्यों न हो कुछ लोग पूछ सकते हैं क्या बूढ़ा होना दुखद नहीं है इस पर हमें जवाब देना चाहिए मैं थोड़ी देर में पिताजी से मिलूंगा तो मैं दुखी क्यों रहूं? मैं खुशी के साथ उस शानदार पल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हम कह सकते हैं कि इस तरह की मानसिकता सही तरह का विश्वास है और हमने एक धर्मी जीवन जिया है कभी कभी परमेश्वर हमें नम्र करते हैं, कभी कभी भूखा रहने देते हैं और कभी कभी वह हमें प्यासा होने देते हैं। परमेश्वर ने इन सभी परिस्थितियों को हमारे लिए तैयार किया है इन परिस्थितियों पर जय पाने के बाद परमेश्वर हमें स्वर के राज्य में ले जाएंगे हमारी अपेक्षाएं यही होनी चाहिए हमें यह पूछकर कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए मैंने परमेश्वर के सामने ऐसा क्या गलत किया है कि मेरा परिवार इतनी मुश्किल स्थिति में है जंगल में 40 वर्षों की यात्रा के दौरान कई इसराइलियों ने शिकायत की और कुड़कुड़ाए परिणाम स्वरूप उन्होंने ऐसे कार्य किए जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते थे आज केवल इस तथ्य के साथ कि हम अब सत्य में हैं, हमें अपनी स्थिति के बारे में कैसे सोचना चाहिए भारत में सियोन परिवार के सदस्य चर्च में अपने सदस्यों से मिलने पर हमेशा यह सवाल पूछते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि आप खुश हैं, तो हर कोई जवाब देता है कि वे खुश हैं। चाहे भारत में हो या दुनिया भर में हो सियोन के सभी परिवार के सदस्य कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं हालांकि वे अपनी स्थितियों को कभी भी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं मानते वे खुश है तो मैंने कहा क्या ऐसा कोई अभिवादन है मुझे इसे सीखना है मुझे स्वयं को भक्ति की साधना करने के लिए थोड़ा और अभ्यास करने की आवश्यकता है सभी लोगों चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो खुशी यह सोचने की मानसिकता से आती है कि आप खुश है प्रेरित पोलुस ने यह भी कहा यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए हो तो हम उसी में संतुष्ट होंगे हमें हमेशा स्वर्ग के राज्य की ओर चलते हुए अपना जीवन जीना चाहिए दूसरी ओर मैंने देखा है कि कुछ लोग सांसारिक अभिलाषाओं के कारण एक बड़ी परीक्षा में पड़ जाते हैं जिसके कारण वे व्यतीत महसूस करते हैं आखिरकार पाप के कारण उनका नेतृत्व मृत्यु की ओर होता है आपको कभी भी उस तरह का व्यक्ति नहीं बनना चाहिए परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहना और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए तो फिर आप क्यों कहते हो कि आप दुखी है आप क्यों कहते हैं कि आप उदास है आप क्यों कहते हैं कि यह कठिन है सभी लोगों सबद के दिन दिए गए इस उपदेश के द्वारा हमें महसूस करना चाहिए कि आप और मैं खुश लोग हैं। सभी लोगों क्या आप सच में खुश नहीं हैं? सभी लोगों कृपया मेरे पीछे दोहराए मैं खुश हूं मैं खुश हूँ क्योंकि मैं, क्यों मैं परमेश्वर में हूं मैं खुश हूं क्योंकि मेरे पास स्वर्ग की आशा है मैं खुश हूं क्योंकि मैं पिता और माता के साथ हूं मैं खुश हूं क्योंकि मेरे पास स्वर्गीय परिवार है मैं खुश हूं क्योंकि मैं सत्य में हूं जैसे मैंने पहले उल्लेख किया ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हमें खुश होना चाहिए लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमें थोड़ा नम्र किया जाता है या क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी असुविधाओं का अनुभव करते हैं तो हम अपनी सारी खुशियों को छोड़ देते हैं और यह कहते हुए व्यर्थ और तुच्छ चीजों से चिपके रहते हैं कि मैं दुखी हूं हमें कभी भी मूर्ख लोग नहीं बनना चाहिए जो विश्वास खो देते हैं सत्य को छोड़ देते हैं स्वर के राज्य पर हार मानते हैं और तुच्छ बातों के कारण परमेश्वर को त्याग देते हैं चूंकि शैतान लगातार इस तरह से हम पर हमला करने का प्रयास करता है इसलिए परमेश्वर ने हमें पहले से चेतावनी देकर दृढ़ किया है परमेश्वर क्या कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए परमेश्वर कहते हैं सदा आनंदित रहो जब परमेश्वर कहते हैं सदा आनंदित रहो तो उनका अर्थ है हमेशा खुश रहो चाहे हम किसी भी परिस्थितियों का सामना क्यों ना करें और चाहे हमारे साथ कुछ भी क्यों ना हो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसा इसलिए है क्योंकि बाइबल कहती है कि सभी चीजें हमारी कल्पनाओं का फल है इस तरह मैं आप सभी से प्रचारक बनने के लिए कहना चाहता हूं जो हमारे आसपास के लोगों को खुशी दे सकते हैं जो दुखी जीवन जी रहे हैं हमें उनके पास जाकर कहना चाहिए यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप इतने खुश होंगे हमारे पास स्वर्ग के राज्य की आशा है हमारे पास स्वर्ग का राज्य है जहां न मृत्यु है और न ही दर्द स्वर का राज्य किसने तैयार किया है जहां अनंत जीवन और आशीष्य बहुत आयत में है पिता और माता ने सब कुछ तैयार किया है जब हम इस अद्भुत दुनिया में जा रहे हैं तो हम दुखी क्यों हैं? कभी कभी हम नंगे पैर चलते हैं क्योंकि हमारे पास जूते नहीं होते हैं हम कुछ समय के लिए चिलचिलाती धूप में चल सकते हैं क्योंकि हमारे पास धूप से बचने के लिए कुछ नहीं होता है लेकिन क्या हमें इन कठिनाइयों के कारण अपने मार्ग पर चलना बंद कर देना चाहिए नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए सभी लोगों हम सच में बहुत खुश लोग हैं क्योंकि हम सभी परिस्थितियों में खुश रहने के बारे में नहीं सोचते इसलिए हम निन्यानवे दशमलव नौ प्रतिशत खुशी के कारक को खत्म कर देते हैं और सोचते हैं मैं इससे नाखुश हूं और मैं उससे नाखुश हूं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मैं क्यों मैं ही क्यों हमें इस तरह जीते हुए का कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें भक्ति की साधना करने का अभ्यास करने की आवश्यकता है चाहे हम खुद को किसी भी परिस्थिति में क्यों ना पाए हमें सोचना चाहिए मेरे साथ जो कुछ भी होता है वह एक भाग्यशाली चीज है लेकिन अब शैतान मुझे इन सभी घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण चीजों के रूप में देखने देने की कोशिश कर रहा है नई वाचा के सत्य में हमें इस मानसिकता से छुटकारा पाने का अभ्यास करना चाहिए कि हम दुखी हैं। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग जाने की अनुमति दी है तो हम दुखी क्यों हैं? हम खुश हैं। परमेश्वर ने हमें पापों की क्षमा दी है तो हम दुखी क्यों हैं? हम खुश हैं। हम अपने पिता से मिले हैं तो हम दुखी क्यों है हम खुश है हम अपनी माता से मिले हैं तो हम दुखी क्यों है हम खुश है आप और मैं वास्तव में खुश लोग हैं और सच में खुश जीव है हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए जैसे कि हम दुखी हैं या हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जैसे कि हम दुर्भाग्यपूर्ण हैं जिससे हमें निराशा होती है हमें महसूस करना चाहिए कि हम कितने खुश हैं प्रथम कुरुतियों अदय दस के अनुसार यह उन लोगों के बारे में क्या कहता है जो स्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते लिखा है जो कुड़कुड़ाते हैं वे स्वर के राज्य में नहीं जाएंगे ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि उन लोगों को नई वाचा के सत्य का एहसास नहीं है वे वह है जिन्होंने बपतिस्मा लिया है लेकिन नई वाचा के मार्ग का पालन नहीं किया है परमेश्वर हमें अपनी आज्ञा न कुड़कुड़ाओ का पालन करने के लिए जबरदस्ती नहीं करते लेकिन यदि हम खुशी के रहस्यों को महसूस करते हैं तो सभी कुड़कुड़ाहट और शिकायतें गायब हो जाएगी ऐसा इसलिए है क्योंकि हम हमेशा आनंदित होते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सभी परिस्थितियों में धन्यवाद दे सकते हैं जो हर परिस्थिति में धन्यवाद देते हैं वे कभी नहीं कुड़कुड़ाते जो हर समय आनंदित रहते हैं वे शिकायत नहीं करते जब आप खुश होते हैं तो चाहे आपके आसपास के लोग कुछ भी क्यों ना करें, आप कभी भी क्रोधित नहीं होते ऐसा इसलिए है क्योंकि आप खुश हैं। सभी लोगों, हम अक्सर यह सोचना भूल जाते हैं कि नई वाचा के सत्य में हम कितने खुश हैं और हमें हर दिन कितना आनंदित होना चाहिए आइए हम पिता और माता की ओर से नई वाचा के विशेष उपहार पापों की क्षमा के अनुग्रह और स्वर के राज्य में जाने के विशेषाधिकार के बारे में सोचे यदि हम इन सभी आशीषों को महत्वहीन समझे तो हम अपना ध्यान दुनिया की सबसे तुच्छ चीजों पर केंद्रित करेंगे और हम ऐसाओं की तरह मूर्ख लोग बन जाएंगे जो केवल कुछ मीठे शब्दों के बदले में जो आखिरकार हमें संसार में वापस खींचते हैं स्वर्ग की महिमा को देने की कोशिश करते हैं इस क्षण से चूंकि नई वाचा का सत्य वह सत्य है जो हमें खुशी देता है इसलिए हमें इसमें खुशी को ढूंढते रहना चाहिए आइए हम खुशी खोजने का अभ्यास करते रहे जब हम किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम दुखी हैं, बल्कि उसे खुशी के दृष्टिकोण से देखें। तब परमेश्वर हमसे कहेंगे तुम ऐसी स्थिति में होते हुए भी शिकायत नहीं करते अब तुम स्वर्गीय लोग बन गए हो अब मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य में ले जाऊंगा एक दिन आएगा जब पिता और माता निश्चित रूप से इस तरह से हमारा न्याय करेंगे इसलिए परमेश्वर कहते हैं जो कुड़कुड़ाते हैं वे स्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे इस क्षण से भले ही आपके परिवार आपके बच्चों आपके पड़ोसियों या आपके दोस्तों के साथ आपकी समस्याएं हो और भले ही प्रचार करते समय हजारों अप्रिय चीजें हो आइए हम यह सोचकर उस स्थिति में खुश होने का कारण खोजे कि परमेश्वर ने इन सभी स्थितियों और लोगों को यह परखने के लिए बनाया है कि हम खुद को खुश पाते हैं या नहीं साथ ही मुझे आशा है कि आप हमारे आसपास के कई लोगों के साथ खुशी और आनंद और स्वर के राज्य को भी साझा करने में सक्षम होंगे इसके द्वारा मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद